Dear students, Assalamu Alaikum. Today we are going to create a class list in QuickBooks. As you know, class is defined as in accounting you might call cost center or an area in which you wish to basically record all income as well as expenses. It could be a business area or a division within your own company. काम हमारी कंपनी कर रही होती है सर्विसेज भी दे रही होती है प्रोडक्ट्स भी बेच रही होती है और भी कुछ और काम कर सकती है कमर्शियल बेसिस पे। हम अगर चाहें तो अपनी पूरी अकाउंटिंग इस बेस पे, इस बुनियाद पे बना सकते हैं कि हमें ये पता चले कि हमें किस लाइन ऑफ बिजनेस से ज़्यादा मुनाफा हो रहा है उसके लिए हमें उस लाइन ऑफ बिजनेस का सारा इनकम और सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा उस बिजनेस हेड या अकाउंट हेड के अंडर इस डिवीज़न को अगर हम इसे बिज़नेस डिवीज़न डिफाइन कर दें तो हम क्विक बुक्स की ज़बान में इसको क्लास कहेंगे जब भी आप अपने बिज़नेस के मुख्तलिफ एरियाज़ में इनकम और एक्सपेंस देखना चाहेंगे तो हम उतने ही क्लास डिफाइन करेंगे विद इन क्विक बुक्स अगर हमारे पास इस पूरे सिनेरियो में जैसे कि आप दे, देख रहे हैं कि हमने एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस बनाया जो बिल्डिंग मटेरियल भी बेचता है अगर हम ये मालूम करना चाहें कि कंस्ट्रक्शन करने में हमें कितने ख़र्चे और कितना इनकम होता है और कितना प्रॉफिट होता है और हम अगर ये भी देखना चाहें साथ साथ कि हमें अपने मटेरियल बेचने में कितना मुनाफा और कितना हमें फ़ायदा हो रहा है तो ये इसी तरह मुमकिन है कि हम इन दोनों की एक क्लास बना दें एक हम सर्विसेज की क्लास बना दें और एक हम प्रोडक्ट सेल्स की क्लास बना दें और फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा कितना ख़र्चा और आमदन इस क्लास में हो रही है और कितना ख़र्चा और आमदन उस क्लास में हो रही है ताकि हमें अपना मुनाफा निकालने में आसानी हो तो आइए चल के देखते हैं कि हम क्लास किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं अपने क्विक बुक्स में और इसकी रिपोर्टिंग किस तरह से होगी लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी तमाम अखराज की रिकॉर्डिंग इनकम की रिकॉर्डिंग क्लास वाइज कर सकते हैं लेकिन उससे पहले कि हम क्लास वाइज इसको रिकॉर्ड करें हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे प्लास क्लास का फीचर इन वोक हुआ हुआ है ऑन हुआ हुआ है या नहीं अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें कहीं क्लास नज़र नहीं आ रही इसका मतलब है हमने अपने क्लासेस को प्रेफरेंस के थ्रू ऑन करना है उसका तरीकेकार सिंपल है हमें हमेशा प्रेफरेंसेस में एडिट के थ्रू जाना होगा और क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रेफरेंस है तो हमें कंपनी प्रेफरेंसेस में जाना होगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लास यूज क्लास ट्रैकिंग फॉर ट्रांजेक्शन अब से तमाम ट्रांजेक्शन हमारे क्लास ट्रैकिंग के साथ होंगे यानी कि तमाम ट्रांजेक्शन जो भी हमारे एक्सपेंस का होगा या इनकम का होगा उसके सामने कोई ना कोई क्लास अटैच करनी होगी नीचे लिखा है प्रॉम्प्ट टू असाइन क्लासेस अगर आपने गलती से असाइन नहीं की तो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप वहाँ क्लास डालें अच्छा नाउ कमिंग ओवर टू आर इन अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो ये है कि हमारे पास क्लास की यहाँ एक अवेलेबल हो गई है ड्रॉप डाउन अब हमने अपना इसके अंदर क्लास को रजिस्टर करना है हमारे पास पहले से कुछ क्लासेस रजिस्टर्ड हैं लेकिन हमने मज़ीद दो क्लासेस इसके अंदर डालनी है तो आइए देखते हैं कि हमने ये क्लासेस किस तरीके से यहाँ डालनी है सबसे पहले हमने जाना है लिस्ट में और लिस्ट में आपको नज़र आ जाएगा क्लास लिस्ट याद रहे लिस्ट के अंदर हमारी सारी चीज़ें जो रजिस्टर होनी हैं जो लिस्टों में आती हैं वो सारी मौजूद हमारे पास इस वक्त तीन किस्म के क्लासेस मौजूद हैं लेकिन हम बेसिकली जो क्लास बनाना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो हमारी एक्सपेंस या सेल्स हो रही है ये प्रोडक्ट की हो रही है या हमारे पास जो हम ये प्रोक्योरमेंट वगैरह कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं ये सर्विसेज की हो रही है तो हम दो क्लासेस यहाँ डिफाइन करेंगे एक क्लास उसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल वो है जो भी चीज़ प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं जैसे कि सीमेंट ब्रेक स्टील और दूसरी क्लास जो हम डिफाइन करने लगे हैं वो है हमारी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की इन सर्विसेज में हम तमाम चीज़ें जिसमें आर्किटेक्चरल बिल्डिंग एवरीथिंग इज़ अवेलेबल वो हम सारी एज सर्विस भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब हमारे पास दो नई क्लासेस आ गई हैं बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अब हमने इनको यूज़ करना है अपनी इन्वासेस में भी और अपनी बिल यानी कि अपने एक्सपेंस में भी तो देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा यहाँ हमने एक अपनी इन्वाइस बनाई है और इस केस में हम ब्रिक्स और सीमेंट सेल कर रहे हैं क्लास क्योंकि हम मटेरियल सेल कर रहे हैं इसलिए इसकी क्लास है हमारा बिल्डिंग मटेरियल का और क्योंकि आपको याद होगा कि हमने इसके ऊपर एक डिस्काउंट लगाया हुआ था बेकर क्रेस पे तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंटेड रेट हमें नज़र आ रहा है इसको हम सेव एंड क्लोज़ करते हैं ये हमसे कह रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा जो आइटम है उसको हमने क्लास नहीं लगाई हुई हम इधर भी उसके ऊपर क्लास इन्वोक कर देते हैं ये दोनों बिल्डिंग मटेरियल हैं और अब हम इसको सेव एंड क्लोज़ कर देते हैं अब हमारे पास एक बिल्डिंग मटेरियल की इनवॉइस आ गई है और उसके साथ ही हम एक और इनवॉइस बनाएंगे जो कि हमें सर्विसेज की इनवॉइस होगी और हमने उसको नाम दिया है जी इंस्टॉलेशन ये जो क्लास है हमारी वो है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की इसे भी हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं अब हमने दो डिफरेंट टाइप की क्लास की इन्वाइस बना दी हैं और अब हम एक बिल भी बनाएंगे ताकि हम एक एक्सपेंस भी करें और हम देखें कि क्या ये भी रिफ़्लेक्ट होता है या नहीं इस बिल में हमने इससे कोई मटेरियल नहीं लिया बल्कि हमने कोई मरम्मत अपनी इक्विपमेंट को कराई है तो हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये लिख रहे हैं कि इसको हमने इस अकाउंट के तहत जिसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमने एक करवाया है और वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसकी क्लास है बिल्डिंग मटेरियल में अब आप ज़रा इसे समझ लें हमने बिल्डिंग मटेरियल क्लास में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवाई हैं इसका मतलब है हमारी कोई गाड़ी या कोई पीस ऑफ इक्विपमेंट ख़राब हो गया था उसको हमने ठीक कराया और ये हमने किस क्लास में इसको बुक किया है इसको हमने बुक किया है बिल्डिंग मटेरियल क्लास में अब तक हमने दो इन्वर्सें बनाई थी एक इन्वाइस हमने बिल्डिंग मटेरियल क्लास में या डिवीजन में डाली है दूसरी इनवॉइस हमने जो डाली है वो डाली है सर्विसेज में और हमने जो ये मेंटेनेंस का काम करवाया है ये भी हमने अपने बिल्डिंग मटेरियल वाले उसके साथ करवाया है क्योंकि हो सकता है कि हमारी इसमें कोई ख़राबी हो गई हो कहीं ना कहीं अब हमारे पास एक बिल है और दो मुख्तलफ़ इन्वाइसें मौजूद हैं आइए अब देखते हैं कि रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें कैसे रिफ़्लेक्ट होती हैं अब आप एक देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बाई क्लास का एक हेड मौजूद है एक रिपोर्ट मौजूद है अब हम इसको इन्वोक करेंगे और चेक करेंगे कि जो दो हमने इनवॉइसें और एक बिल डाला है वो यहाँ क्लास वाइज हमें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास तमाम जितनी भी हमारी क्लासेस इसके अंदर डिफाइंड हैं वो सारी की सारी लिस्टेड है और जितने भी हमारे काम अब तक हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं हम जब चाहें इसको अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं हमने बाकी चीज़ें नहीं देखनी हमने सिर्फ अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड अगर रिपोर्ट देखनी है तो हमें इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा लेकिन इससे पहले कि कस्टमाइज करें ज़रा एक नज़र आप इस पर डाल लें कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अभी हमने डिफाइन किया था क्लास मौजूद है बिल्डिंग मटेरियल अभी हमने डिफाइन की थी मौजूद है इसके अलावा बाकी जो क्लासेस पहले से डिफाइन थी वो भी नज़र आ रही हैं अगर कोई ऐसा एक्सपेंस या इनकम इसके अलावा हुआ, हुआ हो तो वो अनक्लासिफाइड में आ रहा है लेकिन हम इस वक्त इंटरेस्टेड हैं सिर्फ दो चीज़ों में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और बिल्डिंग मटेरियल में हमने इसको फ़िल्टर करना है और हमने इसको फिल्टर करना है क्लास के तहत सारी क्लासेस हमने नहीं दिखानी बल्कि हमने ये देखना है कि इसको हम बिल्डिंग मटेरियल के तहत फिल्टर करें जैसे ही हम इसे ओके okay करेंगे अब हमारे पास यही रिपोर्ट बिल्ड जो थी वो फिल्टर होके आ गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो मटेरियल इनकम है वो भी नज़र आ रही है और जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ख़र्चा था दस हज़ार का वो भी यहाँ नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप जिस तरह से चाहें इसे फिल्टर करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमने ये दो नए डिविज़न बनाए हैं हम चाहेंगे कि इन दोनों का हम एक साथ देख सकें कि क्या असर होता है उसके तरीके कार ये कि आप दोबारा कस्टम रिपोर्ट में जाएं फिल्टर में जाएं और जैसे कि अभी आपने क्लास को सिलेक्ट किया था दोबारा से क्लास को सिलेक्ट करें लेकिन इस वक्त आप जो चूज़ करेंगे ऑप्शन वो है मल्टीपल क्लासेस का मल्टीपल क्लासेस का मतलब ये है कि हम इस वक्त एक से ज़्यादा क्लासेस के ऊपर ये रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं फिल्टर करके पिछली दफ़ा जब हमने रिपोर्ट बनाई थी सिर्फ एक क्लास पे बनाई थी पहला हमारा है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो अभी हमने बनाई है दूसरी हमारी बिल्डिंग मटेरियल ये भी अभी हमने क्रिएट की है अब हमने दो क्लासेस चूज कर ली हैं और हमने उनके ऊपर यही रिपोर्ट बना के चेक करनी है अब आप देख सकते हैं कि इसने वो रिपोर्ट बना दी है जिसमें इसके सारा इनकम सारा एक्सपेंसेस और दोनों का टोटल जो हुआ है मिलाकर वो आपको नजर आ रहा है इसी तरह तमाम कंपनियों में होता है जितने डिवीजन बिजनेस डिवीजन उसके अंदर होंगे जितने कॉस्ट सेंटर उसके होंगे आप उन तमाम का इंडिविजुअल भी देख सकते हैं और कंबाइंड भी देख सकते हैं हो सकता है कि एक डिवीजन को सिर्फ उसका दिखाया जाए तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल हैं क्योंकि यही अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं और रिपोर्टिंग हमारी बैकबोन है बिज़नेस की जितनी फ्लेक्सिबल हमारी रिपोर्टिंग होगी उतना हमें इसको एनालाइज करने करेक्टिव एक्शन लेने पे और फ्यूचर का लाहेमल तयन करने में आसानी होगी याद रखें कि हमने ये दो नए डिवीजन बनाए थे और हमने इसके ऊपर एक्सपेंस भी किया था इनकम भी किया था हमारे पास ओवरऑल भी पूरी अकाउंटिंग मौजूद है लेकिन हमारे पास इसका ब्रेकअप मौजूद है इन दो डिवीजन वाइज जैसे कि आपने देखा कि हमने अपने पास क्लासेस डिफाइन की और उन क्लासेस के बेस के ऊपर हमने ट्रांजैक्शन की एंड फाइनली बेस्ड ऑन दैट ट्रांजैक्शन एंड दोज क्लासेस वी क्रिएटेड अ रिपोर्ट तो बेसिकली एंड ऑफ द डे हमारा काम ये होगा कि जितना वेल well डिफाइंड हमारा बिज़नेस होगा उतना ही वेल डिफाइंड हमें रिपोर्टें मिलेंगी और उतने ही अपने बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी हमें ये पता चल सकेगा कि हमारा कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है हमारी सर्विसेज बहुत प्रॉफिटेबल है या हमारा प्रोडक्ट सेल्स बहुत प्रॉफिटेबल है और इसका तरी ये है कि हम अपने पास अपने सिस्टम में क्लासेस डिफाइन करें इन क्लासेस को हम विद ट्रांजेक्शन पॉपुलेट करें और इसी से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो ये बेसिकली क्लासेस की डेफिनेशन थी एंड दिस इज हाउ वी यूज क्लासेस विद इन आर क्विक बुक्स थैंक यू